ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लाइफ प्रोसेसेस की कि लाइफ प्रोसेसेस हैं कौन कौन से। आइडिया तो आपको हो ही चुका है कि कौन कौन से हैं, तो लाइफ प्रोसेसेस हैं क्या? द प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी फॉर एनी ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन ऑन द अर्थ, यानी कि अपने आप को सस्टेन करने के लिए जिन प्रोसेसेस की ज़रूरत पड़ती है उन्हीं को कहा जाता है लाइफ प्रोसेसेस। और वो कौन कौन से हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन है, ये एक लाइफ प्रोसेस है, रेस्पिरेशन है। अब इन्हीं के टॉपिक्स या चैप्टर यहाँ पे बनाए हुए हैं अपने सिलेबस में। न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, फिर जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा तो क्या है, ट्रांसपोर्ट है, या फिर एक्सक्रीशन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, एंड रिप्रोडक्शन। ये सब क्या हैं? ये लाइफ प्रोसेसेस हैं, ऐसे प्रोसेसेस जो अपने आप को सस्टेन करने के लिए किसी ऑर्गेनिज्म को जरूरत पड़ेगी, उनको क्या कहेंगे, लाइफ प्रोसेसेस। तो पहले के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि पहला चैप्टर शुरू होता है अपना न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, आप जो भी काम करना चाहेंगे उस काम के लिए आपको एनर्जी की जरूरत होती है। आप कुछ भी करें, जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। आप कितने एक्टिव होते हैं, क्या उतने ही एक्टिव आप रात तक रहते हैं? नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी खर्च हो जाती है, कम हो जाती है उस टाइम तक। तो किसी भी काम को करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। हम पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि कोई बाल्टी है पानी की भरी हुई, 15 लीटर भरा हुआ उसमें, और आप किसी 5 साल के बच्चे को कहें कि आप इस बाल्टी को उठाओ तो उस बकेट को नहीं उठा पाएगा, आप उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एनर्जी है। तो एनर्जी होती है तभी कोई काम होता है, यानी कि फिजिक्स में जो हम कहते हैं कि वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, इसलिए दोनों की यूनिट भी क्या है, जूल या किलो जूल, जो भी आप कहें। तो हमें सस्टेन करने के लिए यानी कि एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और ये एनर्जी हमें मिलने वाली है फूड से। अब फूड से एनर्जी डिराइव करना, फूड से एनर्जी लेना, इसी को कहते हैं न्यूट्रिशन, यानी कि द प्रोसेस बाय विच वी इनटेक द फूड फर्स्ट एंड देन वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड। तो सबसे पहले इसी की बात करते हैं कि फूड क्या है। तो हमें काम करने के लिए जो भी एनर्जी मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, फूड से मिलेगी, भोजन से मिलेगी, यानी कि द सब्सटेंस विच, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें एनर्जी देती है, विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर लाइफ प्रोसेसेस या फॉर लाइफ सस्टेनिंग, उसको कहेंगे फूड। अभी मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया क्योंकि कुछ बात रह गई अभी इसी डेफिनेशन में, कुछ बात अभी रह गई है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमें एनर्जी देता है उसको हम क्या कहेंगे, फूड, ताकि जिससे हमारा काम हो सके, हमारी लाइफ चलती रहे। लेकिन एनर्जी तो आपको ऐसी चीज़ों से भी मिल सकती है जो आपके लिए फ़ायदेमंद ना हो, जैसे कि अल्कोहल है, शराब है, अल्कोहल, उससे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल सकती है। तो क्या उसको हम फूड मान लें? उसको हम फूड नहीं कह सकते, क्योंकि उससे एनर्जी तो हमें मिल रही है लेकिन वो अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उसको हम फूड की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। यानी कि यहाँ पे दो चार अक्षर, दो चार शब्द और जोड़ देते हैं हम कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमें एनर्जी देता है और वो नुकसान नहीं करना चाहिए, यानी कि बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए, सस्टेनिंग एंड दैट शुड बी हार्मलेस, वो हार्मलेस होना चाहिए, उसको हम कहेंगे फूड। तो फूड में ऐसा क्या होगा जो हमें मिलेगा, अपनी बॉडी को मिलेगा, जिससे अपना काम चलता रहेगा? वो होंगे न्यूट्रिएंट्स, हमें फूड से मिलेंगे न्यूट्रिएंट्स।
न्यूट्रिशन की देखो आसान सी बात, अगर आपसे इसकी डेफिनेशन पूछता है न्यूट्रिशन, इसका मतलब क्या होता है? टू डिराइव एनर्जी फ्रॉम द फूड, फूड से एनर्जी डिराइव करना ही क्या कहलाएगा? न्यूट्रिशन कहलाएगा। यानी कि न्यूट्रिशन का तो सीधा सा मतलब है टू डिराइव, यानी कि प्राप्त करना एनर्जी फ्रॉम फूड, फूड से एनर्जी डिराइव कर लेना, इसी को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन। फूड किसको कहेंगे? जो एनर्जी दे रहा है और जो हार्मलेस नहीं है। न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे? न्यूट्रिएंट्स ही वो चीज़ हैं जो फूड के अंदर हैं और जो हमें एनर्जी देंगे। ये न्यूट्रिएंट्स मेनली पांच टाइप के हैं, जिनमें है कार्बोहाइड्रेट्स, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसके अलावा वाटर और रफेज, दो चीज़ें और होती हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे तो एक्सक्लूसिवली ये पांच अपने पास हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसमें से जो हमें एनर्जी देते हैं, द न्यूट्रिएंट्स विच प्रोवाइड अस एनर्जी, वो ये दोनों होते हैं, इसका आपने ख्याल रखना है। यानी कि जो एनर्जी है वो हमें इन दोनों से ही मिलती है, कार्बोहाइड्रेट और फैट से। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि आप गेहूं खाते हो, चावल खाते हो, उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। फैट्स जैसे आप घी खाते हो, ऑयल है, उसमें क्या है? फैट्स हैं। प्रोटीन्स क्या करते हैं? प्रोटीन्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है अपनी बॉडी में, क्योंकि जो भी बॉडी की सेल्स बनती हैं, यानी कि बॉडी बिल्डिंग, ये प्रोटीन्स का काम है। इसके अलावा ग्रोथ जो होती है बॉडी की, ये भी प्रोटीन का काम है। अपनी सेल्स जो डैमेज हो जाती हैं और उनको जो रिपेयर करना पड़ता है, वो भी इन्हीं का काम है, यानी कि रिपेयर ऑफ डैमेज्ड सेल्स, ये प्रोटीन के फंक्शंस हैं। और ये जो दोनों हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? ये रेगुलेशन के लिए होते हैं कि अपनी बॉडी को जो कुछ चाहिए वो फूड में से ले लेना, एक्सट्रैक्ट कर लेना, क्योंकि अपने शरीर का मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि जो फूड हम लेते हैं उसमें से ज़्यादातर चीज़ें क्या करता है, अपने शरीर की जो मशीनरी है वो अपने आप उसमें से फूड में से निकाल लेती है, एक्सट्रैक्ट कर लेती है। तो इस टाइप की कई फंक्शंस हैं, यानी कि इनका काम होता है रेगुलेट करने का। ये रेगुलेट करते हैं कि किस तरह से सारा मैकेनिज्म चलता रहेगा। इनकी हालांकि हमें कम क्वांटिटी की ज़रूरत होती है, मात्रा इनकी कम चाहिए, लेकिन ये हैं एसेंशियल, इनके बिना काम नहीं चलेगा। चाहिए ज़रूर, हालांकि कम चाहिए। जैसे नमक है, तो नमक हमें कम चाहिए। जितना आप खाना खाते हो, जितनी रोटी चावल आप खा रहे हो, क्या उतना ही बराबर वेट करके आप नमक खाते हो? नहीं, थोड़ा खाते हो, लेकिन वो है ज़रूरी। अगर वो नहीं होगा तो फिर अपनी बॉडी में डिजीज होंगे। तो ये पांच टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं अपने पास, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। इन न्यूट्रिएंट्स से बॉडी को एनर्जी मिलेगी, काम करने की ताकत मिलेगी, जिससे आगे लाइफ अपनी सस्टेन रहती है। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होगी? इन न्यूट्रिएंट्स में से एनर्जी डिराइव करने का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है? न्यूट्रिशन है। इसकी टाइप देख लेते हैं, न्यूट्रिशन की कितनी टाइप है। तो न्यूट्रिशन की दो टाइप होती हैं, न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट इज ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड द सेकेंड वन इज हिटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। एक तो है ऑटोट्रोफिक और दूसरा कौन सा है? हिटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इनके नाम से पता लग रहा है, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोफिक मीन्स न्यूट्रिशन। तो जो अपना न्यूट्रिशन खुद तैयार कर लेते हैं वो क्या है? ऑटोट्रोप्स हैं। यानी कि जो फूड मटेरियल जिसकी उनको ज़रूरत है वो खुद तैयार कर लेते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं, वो अपना भोजन खुद तैयार कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो वो क्या होते हैं? ऑटोट्रोफिक हैं। हिट्रो मीन्स डिफरेंट,
एंट्रोफिक मीन्स न्यूट्रिशन। तो जो अपना न्यूट्रिशन यानी कि अपने न्यूट्रिएंट्स खुद नहीं बना सकते, दूसरों से ग्रहण करते हैं, दूसरों से प्राप्त करते हैं, वो क्या होते हैं? हीटरोट्रोफिक। ये जो हीटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन है ये फिर से तीन टाइप का है। पहला है सेप्रोट्रोफिक, सेप्रोफिटिक भी कह देते हैं कई बार। दूसरा है पैरासिटिक और तीसरा है होलोजोइक। और ये फिर से दो टाइप का है, एक तो है फोटोसिंथेटिक और दूसरा होता है कीमोसिंथेटिक। ऑटोट्रोफिक फिर दो टाइप का है, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। कीमो मीन्स केमिकल। तो इनके बारे में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आइडिया मैं आपको यहीं दे रहा हूं इनका कि ये क्या क्या होते हैं। सेप्रो, सेप्रो मीन्स रोटन, रोटन्स मीन्स गला सड़ा। तो जो अपना न्यूट्रिशन, जो अपना भोजन रोटन चीजों से लेते हैं यानी कि डेड एंड डीके मैटर जो इससे लेते हैं वो क्या होते हैं? सेप्रोट्रोफिक। यानी कि न्यूट्रिशन का ये मेथड क्या कहलाता है? सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इस मेथड को अपना रहे हैं वो कहलाएंगे सेप्रोट्रोफिक या सेप्रोफाइट्स। पैरासिटिक में क्या होगा? इसमें क्या था, किसे ले रहे थे? डेड एंड डिकेइंग मैटर, इससे अपना फूड ले रहे थे। पैरासिटिक में क्या होगा? ये डेड और डिके से नहीं लेंगे, ये किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही लेंगे यानी कि फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो दूसरे लिविंग से लेंगे। जैसे कसकुटा अमरबेल जिसको कहते हैं, तो किसी भी प्लांट्स के ऊपर चढ़ जाती है, पड़ी रहती है और वहीं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। होलोजोइक, होलोजोइक मीन्स सॉलिड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉलिड फूड लेते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में यही है होलोजोइक। ऑटोट्रॉफिक दो टाइप का है, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। तो ये कौन से हैं? जो अपना भोजन खुद तैयार कर रहे हैं यानी कि सेल्फ न्यूट्रिशन है इनका। तो फोटोसिंथेटिक तो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपने आप तैयार करते हैं यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेते हैं, जैसे CO2 H2O वो लेते हैं और फिर ऑर्गेनिक यानी कि फूड, फूड क्या होता है? ऑर्गेनिक है। यानी कि ऑर्गेनिक जहाँ भी आए केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, इट मीन्स कार्बन, कार्बन का जिक्र हो रहा है। तो जो फूड हम लेते हैं वो लगभग सारा कार्बन बेस्ड होता है। जैसे इसमें कार्बन है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ही तो है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है। तो अपना जो फूड है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं, आवर फूड इज कार्बन बेस्ड, इज इट ट्रू और नॉट? यस इट इज वेरी ट्रू दैट आवर फूड इज कार्बन बेस्ड यानी कि ऑर्गेनिक। तो फोटोसिंथेटिक में तो क्या होगा, लाइट की सहायता से, फोटो मीन्स लाइट, साइंस में जहाँ भी फोटो आएगा तो उसका मतलब आप क्या समझेंगे, लाइट का जिक्र हो रहा है। तो फोटोसिंथेटिक क्या है कि लाइट की मदद से, लाइट का मतलब यहाँ है सनलाइट, तो सनलाइट की सहायता से फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, सनलाइट की सहायता से इनऑर्गेनिक चीज़ों को जैसे CO2 H2O इसको किस में बदल दिया जाएगा, ऑर्गेनिक यानी कि फूड में बदल देंगे, इनको फोटोसिंथेटिक कहेंगे। जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं या ब्लू ग्रीन एल्गे हैं, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं, काई जिसको कह देते हैं, याद रहे ये बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, 90% फोटोसिंथेसिस यही कर देते हैं एल्गे, काई वगैरह जिनको आप बोल रहे हो। तो फोटोसिंथेटिक क्या है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर चेंज्ड इनटू ऑर्गेनिक, लाइक ग्लूकोज, जैसे CO2 H2O ग्लूकोज में बदलते हैं फोटोसिंथेसिस में। और कीमोसिंथेटिक किनको कहेंगे, विद द हेल्प ऑफ यानी कि यहाँ सनलाइट की जरूरत नहीं है, केमिकल्स की सहायता से क्या होगा, फूड प्रिपेयर किया जाएगा यानी कि केमिकल्स की मदद से
यानी कि विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स क्या प्रिपेयर किया जाएगा, फूड, तो उसको हम क्या कहेंगे, कीमोसिंथेटिक। जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो ये काम करते हैं कीमोसिंथेटिक, यहाँ लिख देता हूँ एग्जांपल, जैसे सल्फर बैक्टीरिया है, तो ये केमिकल्स की सहायता से अपना फूड तैयार करेंगे। या जैसे होते हैं आयरन बैक्टीरिया, ये भी क्या है, केमिकल्स की सहायता से। या जैसे है मीथेन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की टाइप अलग अलग, ये सारे क्या करते हैं, क्या करेंगे कि केमिकल्स की मदद से, केमिकल्स की सहायता से ये क्या करेंगे, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ये है यानी कि दो टाइप के, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। या जैसे कि बहुत फेमस होते हैं इसी में कीमोसिंथेटिक में, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह करते हैं। तो ये दो हैं ऑटोट्रोफिक के, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक के ये रहे बहुत सारे एग्जांपल। फोटोसिंथेसिस का कौन है, जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे हैं। और हिटरोट्रोफिक तो ये तीन टाइप का हो गया, सेप्रोट्रोफिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। अब इनके बारे में हमने डिटेल से बात करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोट्रोफिक की, यानी कि सेल्फ न्यूट्रिशन वालों की, कि ये कैसे अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपना फूड कैसे खुद प्रिपेयर करते हैं। प्रोसेस का नाम हमें पता चल गया है, फोटोसिंथेसिस की मदद से ये तैयार करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसकी मेन बात, और फिर खतरों के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए डिटेल से बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या है। अभी तो यानी कि पहले बोर्ड लेवल पे बताऊंगा जो सबको ही करना पड़ेगा, फिर इसकी डिटेल्स की बात करेंगे। तो ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करेंगे किसकी सहायता से, फोटोसिंथेसिस की सहायता से। फोटो मीन्स लाइट, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी कि हरे पौधे, ग्रीन प्लांट्स जो हैं, वो सनलाइट की मदद से यानी कि उसकी प्रेजेंस में अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसी प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ, ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, इनमें एक पिगमेंट होता है जिसे कारण इनका कलर ग्रीन है, और उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल, ग्रीन कलर का पिगमेंट है, तो उसी की मदद से करते हैं ये, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। और क्या चाहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्रीन प्लांट्स क्या करेंगे, अपना भोजन बनाएंगे क्लोरोफिल की मदद से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इसी प्रोसेस का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है मेक, बनाना यानी कि मैन्युफैक्चर। तो ग्रीन प्लांट्स फोटो लाइट की सहायता से अपना भोजन बनाएंगे, इसी को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, रिएक्शन क्या है, रिएक्शन भी देख लेते हैं, डिटेल से भी इसकी बात करेंगे। CO2 ये एनवायरनमेंट से लेते हैं प्लांट्स, H2O पानी ये जड़ों से लेते हैं प्लांट्स। जो भी पानी लेता कहाँ से लेगा, रूट्स, जड़ से लेगा, यानी कि प्लांट के ऊपर आप बेसिक पानी डालते रहो, उसको पानी वहाँ से नहीं मिलना है। पानी कहाँ से मिलेगा, जड़ से मिलेगा। पानी पहले जड़ के पास जाएगा, वहाँ से सक्शन प्रेशर डेवलप होगा, फिर ऊपर तक पहुँचता है। आप कहीं भी डाल दो, जड़ के थ्रू ही जा सकता है, रूट के थ्रू। तो 6CO2 एंड 12H2O ये आपस में कंबाइन करते हैं, क्लोरोफिल जरूरी है भाई, इसके बिना रिएक्शन नहीं होगी।
और सनलाइट भी जरूरी है, इसके बिना भी नहीं होगी। यही कारण है कि किसी भी प्लांट को आप अंदर रख दो, धूप मत लगने दो उसको, सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। तो 6CO2 12H2O इट गिव्स C6H12O6, ये क्या है, ये ग्लूकोज है, यही वो भोजन है जो तैयार किया है। और 6O2 प्लस 6H2, कई जगह ये रिएक्शन ऐसे भी होती है, ये भी सिक्स कर देते हैं, ये भी सिक्स कर देते हैं, और ये दोनों लिख देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, जबकि वो गलत है। सही रिएक्शन ये है, 6CO2 प्लस 12H2O इट गिव्स ग्लूकोज ऑक्सीजन एंड वाटर। अब यहाँ से देख लीजिए कि प्लांट्स कौन सी गैस लेते हैं, कौन सी छोड़ते हैं, यहाँ से इस रिएक्शन से नज़र आ रहा है, ले कौन सी रहे हैं CO2, छोड़ कौन सी रहे हैं O2। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने भूलना नहीं है, ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से आती है, इसके पास भी ऑक्सीजन है, इसके पास भी ऑक्सीजन है, ये जो O2 है ये कहाँ से आ रही है, ये वाटर से मिलती है हमें। जब वाटर की ब्रेकिंग होती है, वाटर टूटता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर कहेंगे उसको, वहाँ से ये ऑक्सीजन हमें मिलती है। ये जो इस फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन होती है, दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स। तो फोटोसिंथेसिस में मेन क्या होगा, तीन स्टेप्स होंगे, अब डिटेल नहीं बता रहा, अभी बिल्कुल आसान सी बात बता रहा हूँ बोर्ड लेवल के लिए, कि पौधे ग्रीन जो प्लांट्स हैं ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, इसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। अच्छा, आप जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि फूड तो हम भी अपना प्रिपेयर करते हैं, हमारे घर में हमारी मम्मी है या हो सकता है किसी के पापा भी हों, तो वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, सब्जी बनाना, रोटी बनाना, तो वो प्रिपेयर नहीं कर रहे। कहीं आप ये सोचोगे वो भी फोटोसिंथेसिस है, ऐसी कोई बात नहीं, बाहर धूप में बैठ जाओ और खाना बना लो तो लाइट की प्रेजेंस में खाना बन गया तो फोटोसिंथेसिस कह देंगे, ऐसी बात नहीं है। वो मटेरियल आपके पास पहले से है, जैसे कि आपके पास आटा है तो वो गेहूं का या चावल का किसी ना किसी चीज़ का है, यानी कि आप उनको मॉडिफाई कर रहे हो, आप उनको बना नहीं रहे हो, बने तो पहले हुए हैं, यानी कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, हम उस प्लांट से या उन्हीं चीज़ों क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। जैसे कि फोटोसिंथेसिस, आसान सी बात समझ के देखिए, मान लिया आपको घर पे सब्जी बनानी है तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो क्या क्या चाहिए देखो, क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपको एक कुकर चाहिए, इसके बाद क्या चाहिए, इसके अंदर जो आप सब्जी बनाएंगे यानी कि वेजिटेबल चाहिए, फिर क्या चाहिए इसको, और क्या डालोगे इसके अंदर, नमक मिर्च मसाला यानी कि साल्ट एट्सेट्रा ये चाहिएगा, सब्जी में आप पानी भी डालते होगे तो क्या चाहिएगा, वाटर H2O ये भी चाहिए। और एक बात सोच के देखो कि कुकर के अंदर या कढ़ाई के अंदर आपने डाल ली सब्जी भी, पानी भी, नमक मिर्च मसाला भी, और उसको आप आग पे ना रखो तो क्या सब्जी बनेगी, यानी कि हमें क्या चाहिएगी, नीचे से फायर या बर्निंग या कुछ भी कहें आप कंबशन, तो वो भी चाहिए। अब यही बात फोटोसिंथेसिस पे आप लागू करके देख सकते हो, ये कुकर है ना, ये कुकर किसका है, ये है क्लोरोफिल का। ग्रीन प्लांट्स के जो लीफ हैं, जो पत्ते हैं, वहाँ ज़्यादातर ये मिलेगा क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल का कुकर आपके पास। ये सब्जी है, ये आपने बनानी है CO2 की, ये CO2 है, क्लोरोफिल लीफ के अंदर CO2 गई, उसके अंदर क्या डाला आपने, पानी तो है यानी कि वाटर, ये रहा CO2 और वाटर, और नमक मिर्च मसाला, ये जो मिर्च मसाला है ये क्या है आपके, मिनरल्स, प्लांट्स मिनरल्स भी लेते हैं रूट के थ्रू। और फिर जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, कुकर हो गया आपके पास क्लोरोफिल का, CO2 की सब्जी होगी, वाटर हो गया, मिर्च मसाला हो गया, फिर क्या करेंगे, इसको फायर यानी कि आग की ज़रूरत पड़ेगी, वो क्या है, वो अपनी सनलाइट, ये सनलाइट है। और इस तरह से ये फूड जैसे हम तैयार करते हैं वैसे ही आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, इसी तरह प्लांट्स भी तैयार करते हैं। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। तो
तीन प्रोसेस में पूरा होगा। पहले तो क्या होगा कि जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल क्या करेगा? एब्जॉर्ब सनलाइट। ये काम किसके द्वारा होगा? ग्रीन प्लांट्स में जो क्लोरोफिल है उसके द्वारा होता है। इसके बाद क्या होगा? हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर होगा। बिल्कुल मेन सी बात बता रहा हूँ, इसको फिर डिटेल से अभी डिस्कस करेंगे हम। फोटोसिंथेसिस की अलग अलग, जैसे कि इसके दो पार्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस के, एक डार्क रिएक्शन होती है एक लाइट रिएक्शन होती है, तो वो अभी बाद में आएंगे। अभी एनसीईआरटी बुक के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, खतरों के खिलाड़ी के हिसाब से फिर बात करेंगे जस्ट इसके बाद। तो फिर क्या होगा? हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये दूसरा स्टेप है। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, और फिर लास्ट स्टेप में हम क्या होते हैं? ग्लूकोज फॉर्मेशन। भाई फूड भी तो चाहिए। तो मेनली ये तीन स्टेप्स होते हैं जिनमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है और हमें फूड मिलता है। अब इस फोटोसिंथेसिस की हम डिटेल से बात करेंगे, डार्क रिएक्शन क्या है, लाइट रिएक्शन क्या है, ऑक्सीजन ये कहाँ से कैसे निकली है, और ग्लूकोज कैसे बना है, और किसका क्या क्या रोल है। क्लोरोफिल है तो ये कहाँ है? ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? लीव्स में है या स्टेम में है? उसकी क्या स्ट्रक्चर है? स्टोमेटा क्या होते हैं? ये सारी चीज़ें अब हम इसके बाद क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। ये एक आउटलाइन थी कि प्लांट्स में, पहले हमने पढ़ा न्यूट्रिशन, प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होगा? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा होगा। उसकी ये थोड़ी सी एक मेन सी आपको जानकारी दी है फोटोसिंथेसिस क्या होता है।